स्वागत करदा हाँ वीरां ते भैणां दा तुहाडे आप दे यूट्यूब चैनल दे उत्ते। अज तुहाडे लई बहुत ही वधिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लैके आए हैं जी, जो कि निकल के आ चुका है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों, जिहड़ा जी वो आउट किया गया है। इस दे विच अलग अलग वैकेंसियां ने जो कि फ्रैशर्स और एक्सपीरियंस दे लई निकल के आईयां ने जी। दोस्तों पहली बारी जिहड़ियां ने फ्रैशर्स कैंडीडेट दे लई वैकेंसियां आउट होईयां ने, हर एक क्वालिफिकेशन नूं लैके अलग अलग वैकेंसियां ने। पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखियो, तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली वीडियो, सो जरूर देखियो जी। मैं तुहाडे लई हर तरह के नवे नवे नोटिफिकेशन लैके आंदा ही रहांगा, सो तुसीं जुड़े रहना साडे नाल, वीडियो नूं एंड तक देखना। पहली बारी साडे चैनल ते आ रहे हो, चैनल करो सबसक्राइब ते नाल दी नाल बैल आइकन भी दबा दो, उहदे नाल हर एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन तुहानूं तुहाडे मोबाइल दे विच मिलदा रहेगा, समां रहिंदे तुसीं इहदे लई अप्लाई भी कर पाओगे। सो ये जिहड़ी वैकेंसी है जी फूड एंड सेफ्टी दे विच आउट कीती गई, मतलब फूड डिपार्टमेंट दे विच आउट कीतियां गईयां ने जी। तुहानूं पता ही है जिद्दां कि पहलियां वैकेंसियां आउट होंदियां सीगियां ओह एक्सपीरियंस कैंडीडेट लई होंदियां सी। पहली वारी जिहड़ियां वैकेंसियां मैं देख रहा जी, जिहड़ियां कि फ्रैशर्स कैंडीडेट एलीजिबल ने ते अप्लाई कर सकदे ने। वैकेंसियां भी काफ़ी वड्डी मात्रा च ने, अलग अलग वैकेंसियां आउट होईयां ने, सो तुसीं वीडियो च अग्गे बने रहना, मैं तुहानूं पूरी जानकारी दूंगा। सब तो पहले लै चलते हैं जी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन से। यह तुम देख पा रहे हो जो नोटिफिकेशन आउट किया गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSI वालों आउट की गई जी ये वैकेंसी जीडिया ने। सो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है अलग अलग वैकेंसी के लिए, तुम्हें इंश्योर करना है कि पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते होवो, क्योंकि अलग अलग वैकेंसियां ने फ्रैशर्स के लिए मोस्टली वैकेंसियां कड़ियां गई ने। एक अद्धी वैकेंसी है जिसके लिए सिर्फ एक्सपीरियंस मंगया गया, बाकी सारिया लिए ही फ्रैशर्स एक्सपीरियंस जोड़े ने रिक्वायर्ड ने। पहले आप गल कर लेनी इंपॉर्टेंट डेट्स की, इस दे विच वैबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना 8/10/2021 स्टार्ट हो जाएगा जी। लास्ट डेट अप्लाई करन दी 7/11/2021 रहेगी। कट ऑफ द एलीजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नूं लैके 7/11/2021 तक हो जाएगा। टेंटेटिव डेट जी अवेलेबिलिटी डाउनलोड एडमिट कार्ड से CBT स्टेज 1 की, वो तुहानूं इन वैबसाइट पर FSI की मिल जाएगी, जो कि तुसी चेक करते ही रहना है, तो मैं भी तुहानू अपडेट देता ही रहांगा। सब तो पहले गल कर लें कि पोस्टा आउट हुई ने जी। सब तो पहली पोस्ट जी है जी, वो पोस्ट कोड लिखा हुआ है। ये पोस्ट कोड का मतलब यह है कि जो तुसी ऑनलाइन अप्लाई करोगे ना, पोस्ट कोड तुहानू मैनशन करना पेगा, सो इस करके मैनशन होंगे जी। सब तो पहली पोस्ट फूड एनालिस्ट की है, जिस दे विच पे लैवल तुहाडा 10th के अकॉर्डिंगली रहेगा। टोटल एज लिमिट जी है जी 35 साल तक के कैंडिडेट एलीजिबल ने। 4 पोस्टा आउट की गई ने, अगे कैटेगरी वाइज वंडिया, तुसी खुद चेक कर लेना। टैक्नीकल ऑफिसर दी पे लेवल 7th है। 30th तक जिहड़े कैंडिडेट ने ईयर तक हैगे ने, वो कैंडिडेट एलीजिबल ने अप्लाई कर सकते हैं। 125 वैकेंसियां आउट की गई ने। सेंटर फूड सेफ्टी ऑफिसर दी ने जी 30 साल तक के कैंडिडेट एलीजिबल ने। 37 वैकेंसियां आउट की गई ने। पे स्केल जी है जी लैवल 7 है। असिस्टेंट मैनेजर IT पे लैवल 7। 30 तक जिहड़े कैंडिडेट ईयर तक है कैंडिडेट एलीजिबल ने। 4 पोस्टा आउट जी ने की गई ने। असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिज्म एंड मास कम्यूनीकेशन और पब्लिक रिलेशन के पे लैवल 7 है। 30 साल तक की उम्र के कैंडिडेट एलीजिबल ने। और 2 पोस्टा आउट की गई ने। सोशल वर्क दे विच लेबर एंड सोशल वेलफेयर लाइब्रेरी लाइब्रेरी साइंस के जड़े जी 7 पे लैवल 7 के अकॉर्डिंगली तुहाडी सैलरी रहेगी। 30 साल तक के कैंडिडेट एलीजिबल ने। 2 पोस्टा ए आउट की गई ने। असिस्टेंट दियां पोस्टा ने जी जिस दे विच पे लैवल 6 है, इस दे विच 30 साल तक के कैंडिडेट एलीजिबल ने। 33 पोस्टा आउट की गई। हिंदी ट्रांसलेटर पे लैवल 6 के अकॉर्डिंगली 30 साल तक के कैंडिडेट एलीजिबल ने। 1 पोस्ट आउट की गई है। पर्सनल असिस्टेंट दियां पे लैवल 6 के अकॉर्डिंगली 30 साल तक के कैंडिडेट एलीजिबल ने। 19 पोस्टा टोटल आउट की गई ने। IT असिस्टेंट दियां 30 साल तक के कैंडिडेट एलीजिबल ने। 3 पोस्ट आउट की गई हैं। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की पे लैवल 4 के अकॉर्डिंगली रहेगी सैलरी। 25 साल तक के कैंडिडेट एलीजिबल ने। 3 पोस्टा टोटल आउट की हैं। टोटल पोस्टा की गल करा 233 है। एलीजिबिलिटी अगर डिस्कस करते हैं, बट एलीजिबिलिटी फ्रैशर्स कैंडिडेट भी एलीजिबल ने, तुम दस देना जी। ये मैं अगर गल करा फी की, तो इंटीमेशन चार्जिज की जनरल तो OBC 1000 रुपया एप्लीकेशन फी, तो 500 रुपया इंटीमेशन चार्जिज। टोटल 1500 रुपया पे करना पेगा। SC ST EWS वूमन एक्स सर्विसमैन PWBD के लिए 500 रुपया ही सिर्फ उन्होंने इंटीमेशन चार्जेस पे करना होंगे जी। उस तो बाद नेक्स्ट मैं गल करा इस दे विच जी कि तुहाडा जिहड़ा है CBT टैसट होएगा, जिहड़ा अलग अलग पोस्टां दी अलग अलग है। जिद्दां फूड एनालिस्ट दा रिटन टैसट प्लस इंटरव्यू होएगी, वेटेज उन्होंने मैनशन की हुई है जी। टैक्नीकल ऑफिसर की CBT स्टेज 1 ते 2 होएगी। सेंटर फूड असिस्टेंट मैनेजर IT असिस्टेंट मैनेजर की स्टेज 1 ते स्टेज 2 जी है CBT टैसट होएगा। उस तो बाद हिंदी ट्रांसलेटर का CBT टैसट के बेस से ही सिलेक्शन होएगी। असिस्टेंट की भी CBT बेस से ही। पर्सनल असिस्टेंट CBT प्लस प्रोफिशंसी ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग की। उस तो बाद IT असिस्टेंट की CBT, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की CBT अकॉर्डिंगली
सिलेक्शन है वह होनी है जी। बाकी उन्होंने होर भी डिटेल्स मैनशन की हुई ने, तुम चैक कर लेना जी। उस तो बाद नैक्सट अगर अभी गल करते हैं थोड़ी इलीजिबिलिटी की, थोड़ा जहाँ नीचे जाना पेगा, काफ़ी व्डा नोटिफिकेशन है जिदा कि तुम देख ही पा रहे हो। इस एज रिलैक्सेशन मैं तुम्हें दस चुका जी, वो तुम दी जाएगी शेड्यूल कास्ट वालों 5 साल तक की, अदर बैकवर्ड क्लास वालों 3 साल तक की, पर्सनल विद बेंचमार्क PWBD वाले कैंडिडेट 10 साल तक, PWBD प्लस SC ST 15 साल जी, PWBD प्लस OBC 13 साल, एक्स सर्विसमैन 3 साल का। उस तो बाद विडो डिवोर्स कैंडिडेट 35 साल तक दी जी, विडो डिवोर्स वुमेन जस्टिकली सैपरेटेड फ्रॉम रीमैरिड SC ST 40 साल तक की जी छूट है, वह इस दी जानी है जी। सब तो पहली पोस्ट है फूड एनालिसिस की। एजुकेशन की गल करें तो मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रीशन, बैचलर टेक्नोलॉजी डेयरी के, मतलब जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है रेलेवेंट डिसिप्लिन जो इतने मैनशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। पहली एक पोस्ट है जी 3 साल का एक्सपीरियंस मंगया गया है उन्होंने, ठीक है जी। उस तो बाद नैक्सट अगर गल करें टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है, इस जी मास्टर डिग्री मंगी गई है जी, ठीक है जी। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस टेक्नोलॉजी और फूड के एंड न्यूट्रिशन के, ठीक है जी। उस तो बाद होर भी देख पा रहे हो अलग अलग जीडिया ने इस मंगे गए, PG डिप्लोमे वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सो तुम इन प्रॉपर पढ़ लेना, ईवन BE BTEC जिन्होंने फूड टेक्नोलॉजी के, डेयरी टेक्नोलॉजी के, बायो टेक्नोलॉजी के की हुई है, ऑयल टेक्नोलॉजी की हुई है, फूड प्रोसैस इंजीनियरिंग की है, वो भी इलीजिबल है जी इस, ठीक है जी। उस तो बाद फ्रैशर्स के लिए है, उस तो बाद आएंगे सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के जिन्होंने डिग्री की हुई है फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी मास्टर डिग्री की हुई है, केमिस्ट्री डिग्री की हुई है और इस मेडिसिन की हुई डिग्री तो अप्लाई कर सकते हैं। उस तो बाद नैक्सट अगर गल करिए इस असिस्टेंट की पोस्ट है जिन्होंने बैचलर डिग्री की है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिदा मैं कहा फ्रैशर के लिए पोस्टा ने। उस तो बाद नैक्सट गल करते हैं जी जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 1 की 12th स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट जिन्होंने रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी तो की है वो अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर की जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है यूनिवर्सिटी में हिंदी विद इंग्लिश के नाल, ठीक है जी। और कंपलसरी है इलेक्टिव सब्जेक्ट जरा अगर है तो भी अप्लाई कर सकते हो, मास्टर डिग्री की हुई रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो इलीजिबल हो अप्लाई कर सकते हो जी। नैक्सट परसनल असिस्टेंट की जी बैचलर डिग्री जिन्होंने की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के, तुहाडी प्रोफिशिएंसी हैगी 80 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट जी हैगी है जी, ये शॉर्ट हैंड की है, 80 वर्ड पर मिनट घबराना नहीं है जी। और उस तो बाद नॉर्मल टाइपिंग 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश से 35 वर्ड पर मिनट हिंदी की। सो जिन्हों को कंप्यूटर लिटरेट और प्रोफिशिएंसी हैगी MS ऑफिस की इंटरनेट की वो अप्लाई कर सकते हैं जी। उस तो बाद असिस्टेंट मैनेजर IT की जिन्होंने BE BTEC किया हुआ है, इस उन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मंगया हुआ है जी रेलवेंट डिसिप्लिन का, तो तुम ये देख लेना जी। उस तो बाद नैक्सट गल करते हैं IT असिस्टेंट की है जी, इस भी जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई एटलीस्ट 1 ईयर का PG डिप्लोमा डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन की इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन की हुई है रेलवेंट फील्ड तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा फुल टाइम कोर्स किया हुआ है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन के, तुम अप्लाई कर सकते हो, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है जिड़ी कि डिप्लोमा इन सोशल वर्क एंड साइकोलॉजी और लेबर और सोशल वेलफेयर के अप्लाई कर सकते हैं जी। उस तो बाद नैक्सट अगर गल करा कि इस अलग अलग CBT टेस्ट वास्ते उन्होंने एग्जामीनेशन सेंटर दसे हुए हैं, सो तुम ये देख लेना खुद जी एग्जामीनेशन सेंटर CBT के लिए 2 के लिए वो भी मैनशन किए हुए हैं उन्होंने। सो तुम चैक करके अप्लाई करना है जी, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन अप्लाई करने लिंक तुम मैं दे दाँगा, जो तुम FSI की FSSAI की जी ऑफिशियल वैबसाइट है उत्थे जाके भी तुम चैक कर सकते हो जो कि उन्होंने मैनशन किया हुआ है। सो यह जी अज का नोटिफिकेशन, तो हूँ मैं थोड़ा मिलूंगा नवे नोटिफिकेशन के नवी वीडियो के, तद तक के लिए धन्यवाद जी।